हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी न्यूज़। आज मैं आपको ब्राज़ील देश के बारे में बताऊंगा। ये साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा देश है और विश्व में क्षेत्रफल के हिसाब से पांचवा सबसे बड़ा देश है। यहाँ पर आप इस देश में स्थित अमेजन जंगलों के बारे में जानेंगे, विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन के बारे में ही जानेंगे और आपको यहाँ पर कॉफ़ी की मंडी के बारे में भी जानने को मिलेगा। इस देश का इतिहास क्या है, इस देश की ज्योग्राफी क्या है, यहाँ पे आपको सब जानने को मिलेगा। सो लेट्स स्टार्ट। ब्राज़ील का ऑफिशियली नाम द फेडरेटिव रिपब्लिक ऑफ ब्राज़ील है। ये जो साइन है ये ब्राज़ील का कोट ऑफ आर्म है जिसे उन्होंने 19 नवंबर 1889 को बनाया था। ये कोट ऑफ आर्म ब्राज़ील के रिपब्लिक होने के 4 दिन बाद बनाया गया था। इसमें कॉफ़ी निकोटीन की शाखाओं को दिखाया गया है जो हथियारों से घिरे हुए हैं, क्योंकि उस समय ब्राज़ील में ये महत्वपूर्ण फसल थे। इसके ये जो चारों ओर 27 सितारे हैं ये इनके 26 राज्यों और संघीय जिलों की प्रतिनिधित्व करते हैं। ब्राज़ील साउथ अमेरिका और लैटिन अमेरिका में दो सबसे बड़ा देश है। इसका क्षेत्रफल लगभग 8.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है और यहाँ 211 मिलियन पीपल्स रहते हैं। ब्राज़ील की कैपिटल ब्राज़ीलिया है। यहाँ का लार्जेस्ट सिटी साओ पालो है और ऑफिशियली लैंग्वेज पुर्तगीज़ है। यहाँ रिलीजियस ग्रुप में 70% लगभग कैथोलिक, 22% लगभग प्रोटेस्टेंट रहते हैं। इस समय ब्राज़ील में फेडरल प्रेसिडेंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिक पार्टी की सरकार है जिसके प्रेसिडेंट जैर बोल्सोनारो हैं। ब्राज़ील में लेजिस्लेचर को नेशनल कांग्रेस कहा जाता है। देखिए, भारत में कांग्रेस एक पार्टी का नाम है लेकिन वहाँ के संसद को नेशनल कांग्रेस कहते हैं। आपको मैंने पहले बताया भी था कि यूएसए में भी वहाँ की संसद को नेशनल कांग्रेस कहा जाता है और ब्राज़ील के अपर हाउस को फेडरल सीनेट कहते हैं, लोअर हाउस को चैम्बर ऑफ डेप्यूटीज़ कहते हैं। ब्राज़ील की जीडीपी की बात करें तो 2020 में इनका एस्टिमेट है टोटल $1.89 ट्रिलियन का, जो विश्व में 9th रैंक पर है और पर कैपिटा इनकम $8,955 है। ब्राज़ील में रियाल ब्राज़ीलियन करेंसी यूज़ होती है। ब्राज़ील के पूर्व में अटलांटिक महासागर है। ब्राज़ील की कोस्ट लाइन 7,491 किलोमीटर लगभग है। साउथ अमेरिका में इक्वाडोर और चिले को छोड़ दिया जाए तो ये साउथ अमेरिका के सभी देशों से अपनी बॉर्डर शेयर करता है और ये साउथ अमेरिका का लगभग 47% एरिया कवर किए हुए हैं। देखिए, इस मैप में आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ये इक्वाडोर है और ये है चिले। इन्हीं दो देशों को छोड़ दिया जाए तो ब्राज़ील सभी देशों से अपनी बॉर्डर शेयर करता है। ब्राज़ील में उपस्थित अमेजन रिवर बेसिन में विशाल उष्णकटिबंधीय वन है जिसे अमेजन वन ही कहते हैं। ये विविध वन्य जीवों के लिए घर है। यहाँ पर पारिस्थितिकी प्रणाली और कई संरक्षित आवासों के लिए व्यापक प्राकृतिक संसाधन शामिल हैं। अमेजन बेसिन ब्राज़ील को मेगा डाइवर्स देशों में से एक बनाती है। अमेजन के जंगलों को विश्व के फेफड़े भी कहा जाता है। देखिए, ब्राज़ील में कई जनजातियां निवास करती थीं। फिर यहां पर 1500 ईस्वी में एक पुर्तगीज़ खोजकर्ता पेड्रो कैब्राल आए। इन्होंने यहां पुर्तगाली साम्राज्य की स्थापना की। उसके बाद 1808 तक ब्राज़ील पुर्तगालियों का एक उपनिवेशक बना रहा। इसी समय पुर्तगालियों ने ब्राज़ील की राजधानी को, जो पहले लिस्बन थी, उसे री डी जेनेरियो में स्थानांतरित किया। ये जो नाम है ब्राज़ील, ये ब्राज़ील वुड के नाम से लिया गया है। इस नाम को पुर्तगालियों ने इन्हें दिया है। ब्राज़ील वुड एक पेड़ है जो ब्राज़ील के तटीय क्षेत्रों में पाया जाता है। पुर्तगाली में ब्राज़ील वुड को पाओ ब्राज़ील कहा जाता है। ब्राज़ील नाम में जो ब्रासा है इसको लाल जैसा अंगारा कहा जाता है। इसके बाद जो इल शब्द है ये इलियम से बना है।
जब यहाँ पे पुर्तगाली आए उन्होंने इसका नाम लैंड ऑफ होली क्रॉस भी कहा था। ब्राज़ील में मानव निवास के प्रमाण मिनस गैरेस क्षेत्र में पाए जाते हैं जो लगभग 11,000 साल पुराने माने जाते हैं। पश्चिमी गोलार्ध में पाए जाने वाले सबसे पहले मिट्टी के बर्तनों की खुदाई ब्राज़ील के अमेजन बेसिन में ही की गई थी और रेडियो कार्बन से इसे 8,000 साल पुराना बताया गया था। इनके बर्तनों और इनकी सामाजिक संरचनाओं को देखकर ये माना जाता है कि ये बंजारों की तरह रहे होंगे जो शिकार करते होंगे, मछलियां पकड़ते होंगे और प्रवासी कृषि पर निर्भर रहे होंगे। ब्राज़ील पुर्तगालियों से 7 सितंबर 1822 को आज़ाद हो गया था, लेकिन पुर्तगालियों ने इन्हें 29 अगस्त 1825 को स्वतंत्र घोषित किया था और 1889 में ब्राज़ील ने अपना संविधान बनाया था। इसीलिए ब्राज़ील अपना रिपब्लिक डे 15 नवंबर 1889 के हिसाब से 15 नवंबर को मनाता है। ब्राज़ील दुनिया के प्रमुख ब्रेड बास्केट्स में से एक है। ये पिछले 150 वर्षों से कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश बना हुआ है। इंटरनेशनल अफेयर्स में ब्राज़ील एक रीजनल पावर के रूप में रहता है। ब्राज़ील संयुक्त राष्ट्र G20 ब्रिक्स मर्कसूल का हिस्सा है। ब्राज़ील के ज्योग्राफी की बात की जाए तो दक्षिण में उरुग्वे के साथ भूमि सीमा साझा करता है। दक्षिण पश्चिम में पराग्वे और अर्जेंटीना है, पश्चिम में बोलीविया और पेरू है, उत्तर पश्चिम में कोलंबिया और उत्तर में वेनेजुएला है। उत्तर में ही गुआना, सूरीनाम और फ्रांस के फ्रेंच गुएना और फ्रांसीसी विदेशी क्षेत्र शामिल हैं। ब्राज़ील में कई महासागरीय द्वीप समूह शामिल हैं जैसे फर्नांडो डी नोरान, रोकास एटोल, ट्रिनिडेड और मार्टिनवॉज, ये सब अटलांटिक महासागर में हैं। ब्राज़ील दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जिस पर से भूमध्य रेखा और मकर रेखा गुजरती है। इसकी स्थलाकृति भी विविध है, इसमें पहाड़, मैदान, ब्राज़ीलिया उच्च भूमि, अमेजन के जंगल और अमेजन नदी बेसिन शामिल हैं। इसका अधिकांश भूभाग 200 मीटर या 800 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। देखिए, ब्राज़ील जो है इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के लगभग मध्य में है, इसलिए यहाँ पे भूमध्य जलवायु पाई जाती है। यहाँ विशाल जंगल होने के कारण आर्द्र और गर्म जलवायु होती है और अधिकांश बारिश का मौसम बना रहता है। यहाँ का औसतन तापमान लगभग 25 डिग्री सेल्सियस रहता है। यहाँ पे दिन और रात के टेम्परेचर में काफ़ी फ़र्क होता है। ब्राज़ील में 1877-1878 के मध्य में ब्राज़ील का सबसे बड़ा सूखा पड़ा था, जिसे ग्रांडे सीका भी कहते हैं। इस सूखे के कारण वहाँ लगभग 500,000 लोग मारे गए थे। ब्राज़ील में सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी है, जिसकी लंबाई 6,840 किलोमीटर है। अमेजन नदी विश्व की सबसे बड़ी नदी है। मैं सबसे लंबी नदी नहीं बोल रहा, सबसे लंबी नदी नील नदी है। यहाँ मैं नदी बेसिन के हिसाब से बोल रहा हूँ कि अमेजन नदी विश्व की सबसे बड़ी नदी है। फिर है पारनारा रिवर जो 4,880 किलोमीटर है, रियो निग्रो रिवर जो 2,250 किलोमीटर लंबी है, फिर है मेडीरा रिवर जो 3,380 किलोमीटर है। ये जो निग्रो रिवर और मेडीरा रिवर हैं ये अमेजन नदी बेसिन में आते हैं, ये अमेजन नदी की सहायक नदियां हैं। साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा माउंटेन रेंज है एंडीज माउंटेन रेंज, लेकिन यह ब्राज़ील से होकर नहीं गुजरता। फिर भी ब्राज़ील में कुछ माउंटेन्स हैं जिसमें पीको डा नेबलिंगा है जो 2,994 मीटर ऊंचा है, पीको डा बेंडेरिया है जो 2,892 मीटर ऊंचा है और पीको डास मरीन्स है। ये सभी माउंटेन्स ब्राज़ीलियन उच्च भूमि पर पाए जाते हैं जो अटलांटिक महासागर से सटे हुए हैं। ब्राज़ील में वोल्कानों की बात करें तो ब्राज़ील दक्षिण अमेरिका प्लेट के बीच में स्थित है, मतलब टेक्टोनिक प्लेटों के किनारों से बहुत दूर है।
यही कारण है कि ब्राज़ील में कोई सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है। ब्राज़ील के पॉपुलर सिटीज़ में साओ पालो है, जो दक्षिण अमेरिका में सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर है। ये दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा नगरीय समूह भी है। यहाँ विश्व की सबसे बड़ी कहवा मंडी है। सैंटोस की बात करें तो सैंटोस साओ पालो के दक्षिण में स्थित है। सैंटोस विश्व की सबसे बड़ी कहवा निर्यातक बंदरगाह है। इसे विश्व का कहवा पत्तन भी कहते हैं। अगला इम्पोर्टेंट शहर है री डी जेनेरियो। ये ब्राज़ील की पुरानी राजधानी भी है। यहीं पर सबसे पहला पृथ्वी सम्मेलन आयोजन हुआ था और यहीं पे क्राइस्ट द रेडीमर आइकॉनिक क्राइस्ट स्टैचू भी है। तो ये थी पूरी जानकारी ब्राज़ील के बारे में। इससे पहले मैंने आपको नॉर्थ अमेरिका के देशों के बारे में बताया था, जिसमें कनाडा, यूएसए और मेक्सिको के बारे में जानकारी दी थी। और यहाँ पर आपको ब्राज़ील के बारे में काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट।